हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति स्पेशल मैं आपके साथ खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस मकर संक्रांति पे बनाइए मसाला खिचड़ी, टेस्ट में एकदम लजीज। ऐसे तो आपने खिचड़ी बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरह से बनाइए मसाला खिचड़ी। मैंने बहुत सारे सब्जियों से मसाला खिचड़ी बना के रेडी किया है, तो चलिए आइए आप मेरे साथ बनाइए। तो ये देखिए, हमने लिया है 200 ग्राम चावल। चावल को मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। और ये मैंने लिया है अरहर का दाल, और ये हमने लिया है कुछ सब्जियाँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और इसमें हमें चावल ऐड कर देना है। और जब चावल ऐड कर देंगे तो हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तो मैंने चावल का एक तिहाई हिस्सा दाल लिया है, तो इसे भी मैंने भिगा लिया था पहले ही। तो अब हम इसमें पानी डाल के और इसे हमें 2 से 3 सीटी लगाना है। पानी आप ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ओवरफ्लो होने लगेगा। यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी नहीं डाला है। तो अब हम ढक्कन लगा के रख देंगे गैस पे। जब सीटी आएगा तब तक हम सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। तो ये मैंने लिया है कढ़ाई। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने डाला 1 चम्मच जीरा। तो थोड़ा सा जब जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। हींग से क्या होगा, थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हींग स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे। मैंने लिया 1 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 2-3 लौंग। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने डाला अदरक का टुकड़ा। तो अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे आलू, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है और आलू थोड़ा सा मोटा मोटा है। तो सबसे पहले हम आलू ऐड करेंगे और इसे भी हमें 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। तो देखिए अच्छे से भून चुका है आलू। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी। गोभी के मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं ताकि जल्दी से गल जाए। तो अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर आपको और भी सब्जी पसंद हो तो आप अपने मन पसंदीदा सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कटोरी मटर। खिचड़ी में तो मटर ज़रूर डालें, क्योंकि जब खिचड़ी में मटर पड़ता है ना तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है, मटर और आलू और गोभी को। अगर आपको गाजर पसंद है तो आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च डाला है, क्योंकि शिमला मिर्च और ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देगा। तो थोड़ा सा शिमला मिर्च मैंने बाद में डाला है, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ा जल्दी गल जाता है। और इसे भी हम भून लेंगे। और लास्ट में हमें ऐड करना है टमाटर। थोड़ा सा सब्जी जो होगा क्रंची होगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिया टमाटर। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट भून लेना है। सारे सब्जियों को हमने अच्छे से भून लेना है। सब्जी एकदम अच्छे से भून चुकी है, तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने हरा मिर्च डाला था तो मैंने 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। और 1/2 चम्मच गरम मसाला और नमक डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमें चावल और दाल भी ऐड करना है। तो मैंने एक ही बार नमक ज़्यादा डाल दिया है। तो अब हम डाल देंगे हल्दी। तो इसे भी हमें भून लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है सब्जी का। यहाँ पे हमें ऐड कर देना है पानी। वैसे तो सब्जी अच्छे से भून चुकी है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा और पका लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ढक के बस 5 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है। यहाँ पे दाल चावल भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ये देखिए
दाल चावल अब हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दाल चावल गाढ़ा है तो अब हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, लेकिन खिचड़ी आपको पतली पसंद है तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, अगर गाढ़ी पसंद है तो आप पानी ना ऐड करें। तो ये देखिए ऐसे अब हम मिला लेंगे अच्छे से। ठंड का मौसम है तो बाफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं खाने में से, तो थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये हमारी मसाला खिचड़ी एकदम रेडी है, तो आप इस मकर संक्रांति मसाला खिचड़ी ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। इसमें मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है और ये बहुत लजीज और एकदम टेस्टी बना है। तो अब हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं ऐसे ही आपके साथ अमेजिंग वीडियो लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।